रोहित शर्मा को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले बाबर आजम ने उड़ाया भारत का मजा और कह दिया कुछ ऐसा जिसको सुनने के बाद आपका भी खून खोल उठेगा। तो आखिर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले बाबर आजम ने क्यों उड़ाया टीम इंडिया का मजा, उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में से शानदार बल्लेबाज कौन? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फिलहाल भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज वेस्टइंडीज की सरजमी पर खेली जा रही है, जिसके पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 141 और एक पारी से रौंद डाला, जहाँ टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को जिताने में अहम योगदान दिया। अब ऐसे में सीरीज का दूसरा यानी अंतिम मुकाबला 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम अपनी शान को बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज बाबर आजम का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जहाँ उन्होंने टीम इंडिया का जमकर मजाक उड़ाया। तो क्या कुछ कहा बाबर आजम ने टीम इंडिया को लेकर, चलो आपको बताते हैं। दोस्तों, बाबर आजम ने कहा कि जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि किसी भी टीम को उसी की सरजमी पर जाकर हराना आसान नहीं होता। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वेस्टइंडीज की टीम अपने खराब दौर से गुजर रही है, क्योंकि उनके मेस विनर खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं है। ऐसे में उन्हें हराना कोई खास बड़ी बात भी नहीं है, और वैसे भी भारत केवल उन्हीं टीम को हरा सकता है जो उनसे कमजोर है। अपनी से बड़ी टीमों के सामने तो भारत के शेर ढेर होते नजर आते हैं, जिसका नजारा हम सभी ने WTC के फाइनल मुकाबले में भी देखा है, जहां टीम इंडिया का बड़े से बड़ा खिलाड़ी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। इसके आगे बाबर आजम ने कहा कि हमें विश्व कप का इंतजार है, जब हमारा सामना भारत से होगा, और हमें पूरा यकीन है कि हम उन्हीं की सरजमी पर जाकर उन्हें धूल चटा देंगे और भारत को उसकी औकात दिखा देंगे, क्योंकि हमारी टीम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है, जिसका नजारा हम एशिया कप में दिखा देंगे। तो दोस्तों, भारत की जीत को बाबर आजम तो फंसा नहीं पाए, लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि विश्व कप में टीम इंडिया पाकिस्तान को हरा पाएगी या नहीं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।